शहीद स्मृति स्थल पर शहीद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। अंत में आप जानेंगे कितने लोगों ने नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने प्राण की आहुति दी। गाजीपुर में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन गाजीपुर में शहीद स्मृति स्थल पर देश के नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने प्राण की आहुति देने वाले शहीद पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों का स्मरण करते हुए स्मृति स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के संदेश को पढ़कर सुनाया गया। अधीक्षक द्वारा पुलिस तथा पैरा मिलिट्री फोर्स के विभिन्न जवान, जिन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी वीर गाथा का भी वर्णन किया गया तथा उनके नाम से सभी को अवगत कराया गया। पुलिस लाइन में मौजूद अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सभी सर्किल के क्षेत्राधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक लाइन तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस स्मृति दिवस के रूप में उन वीर शहीद पुलिस जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाते हैं, जिन्होंने राष्ट्र व समाज की रक्षा के लिए कर्तव्य पलायन में समर्पण और बलिदान का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज से 65 वर्ष पूर्व भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख के हिमाच्छादित जनहीन क्षेत्र में 21 अक्टूबर 1959 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान नियमित गश्त पर निकले थे। स्वचालित राइफलों व मोर्टारों से लैस चीनी सैनिकों ने छल पूर्वक हमारे क्षेत्र में घात लगाकर अचानक गश्ती दल पर हमला कर दिया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए साधारण शस्त्रों के बावजूद पुलिस दल की टुकड़ी ने चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। अप्रतिम वीरता का परिचय देते हुए केंद्रीय पुलिस बल के 10 बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। इन्हीं अमर वीर जवानों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाने की परंपरा प्रचलित है। 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक की अवधि में संपूर्ण भारतवर्ष में कर्तव्य की वेदी पर 214 पुलिसजन ने अपने प्राण न्यौछावर किए। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 पुलिसजन क्रमशः आरक्षी रोहित कुमार व आरक्षी सचिन राठी सम्मिलित हैं। कर्तव्य पालन में आत्मबलिदान करने वाले इन वीरों के पराक्रम से देश प्रदेश का संपूर्ण पुलिस बल गौरवान्वित है। हमारे वीर जवानों का यह बलिदान उनकी सच्ची समर्पण भावना एवं कर्तव्य प्राणता का द्योतक है तथा कर्तव्य निष्ठा एवं जनसेवा के प्रति उनकी संकल्पबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।